राजकीय महाविद्यालय सूरतगढ़ की क्लास बीकॉम पार्ट सेकंड, सब्जेक्ट बिजनेस मैनेजमेंट, पेपर कंपनी अधिनियम में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कंपनी एवं साझेदारी में अंतर। जैसा कि पूर्व में आपको कंपनी के बारे में परिभाषा, विशेषताएं, महत्व बताया गया है, साथ साथ साझेदारी के बारे में भी उल्लेख किया गया है, लेकिन आज हम स्पष्ट रूप से ये देखेंगे कि कंपनी एवं साझेदारी में मूलभूत अंतर क्या होता है। सामान्यतः ये देखा गया है कि कंपनी और साझेदारी व्यवसाय दोनों ही लाभ कमाने के उद्देश्य से स्थापित किए जाते हैं। जैसे साझेदारी व्यापार की हम बात करें तो कुछ साझेदार मिलकर के आपस में अपना धन या पूंजी के रूप में पैसा लगा करके अपना व्यापार शुरू करते हैं और साझेदारी संलेख का निर्माण करते हैं। उस साझेदारी संलेख के अनुरूप ही अपना लाभ और हानि विभाजित करते हैं आपस में। इसी तरह कंपनियां भी लाभ के लिए स्थापित की जाती हैं। एक व्यक्ति वाली कंपनी या निजी कंपनी तो मुख्य रूप से लाभ के लिए स्थापित की जाती हैं। वो एक दूसरी बात है कि कंपनियों में नुकसान भी किस प्रकार का हो सकता है। हाँ, सार्वजनिक कंपनी की स्थापना राज्यों और राष्ट्र के विकास के लिए स्थापित की जाती हैं। ये कंपनियां राज्यों और राष्ट्र को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कर का, टैक्सेस का भुगतान करके राष्ट्र के विकास में अपना योगदान कर सकती हैं। आम जनता को रोजगार उपलब्ध करा करके और उचित मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध करा करके अपने जनता के, राष्ट्र के विकास में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। तो मुख्य रूप से इनमें क्या अंतर है वो हम अभी विस्तार से देखेंगे, जिसमें अंतर के आधार बनाए गए हैं। कंपनी और साझेदारी के अलग अलग दो पार्ट बनाए गए हैं। पहला अगर मीनिंग हम देखते हैं तो अर्थ का एक मेन बेस माना गया है कि कंपनी विधान के अधीन निर्मित एक कर्तव्य व्यक्ति है जिसे स्थायी अस्तित्व एवं उत्तराधिकार प्राप्त है, जिसका अपने सदस्यों से पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। दूसरी तरफ साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जो किसी व्यवसाय के लाभों को बांटने हेतु सहमत हुए हैं तथा उसका संचालन उन सभी के द्वारा अथवा उन सभी की ओर से उनमें से किसी एक के द्वारा किया जाता है। दूसरा आधार इसमें लिया गया अधिनियम, अर्थात कंपनी पर कंपनी अधिनियम 2013 लागू होता है। साझेदारी पर भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होता है। निर्माण की बात करें तो कंपनी का निर्माण कंपनी अधिनियम द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने पर होता है। साझेदारी का निर्माण साझेदारों के बीच अनुबंध से होता है। चौथी बात पंजीयन से संबंधित बताई गई है। कंपनी का पंजीयन कंपनी अधिनियम के अधीन करना अनिवार्य होता है। साझेदारी का साझेदारी अधिनियम में पंजीयन करना अनिवार्य नहीं है। इसका कंपनी अधिनियम में अन्य किसी अधिनियम के अधीन भी पंजीयन तब तक अनिवार्य नहीं है जब तक इसके सदस्यों की संख्या केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की गई संख्या तक सीमित रहती है। पृथक अस्तित्व की बात करें तो कंपनी का अपने सदस्यों से पृथक एवं स्थायी वैधानिक अस्तित्व होता है। सदस्यों की मृत्यु, दिवालिया या पागल होने पर भी कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं होता है। साझेदारी फर्म का साझेदारों से अलग अस्तित्व नहीं होता। साझेदारों में किसी प्रकार के परिवर्तन से साझेदारी का विघटन हो जाता है, अर्थात समाप्त हो जाती है। अनुबंध करने की क्षमता, कंपनी के सीमा नियम द्वारा निर्धारित की गई सीमा के भीतर कंपनी के अनुबंध करने की क्षमता होती है, किंतु प्रत्येक कंपनी को अनुबंध की सीमाओं के माध्यम से ही करना पड़ता है। साझेदारी फर्म में अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती क्योंकि फर्म व्यक्ति नहीं होता। फर्म के सभी साझेदार अथवा उनकी ओर से कोई भी साझेदार फर्म की ओर से अनुबंध करने की क्षमता रखते हैं। जहाँ तक सदस्य संख्या का अभिप्राय है, सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 7 तथा निजी कंपनी में कम से कम 2 सदस्य होने आवश्यक हैं। एक व्यक्ति कंपनी में केवल एक ही सदस्य होता है। साझेदारी फर्म में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 2 है। सदस्यों की अधिकतम संख्या की बात करें तो सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। निजी कंपनी यानी एक व्यक्ति कंपनी को छोड़कर अधिकतम 200 सदस्य हो सकते हैं। एक व्यक्ति कंपनी जो निजी कंपनी के रूप में होती है में न्यूनतम या अधिकतम सदस्य संख्या 1 ही हो सकती है। दूसरी तरफ साझेदारी फर्म में अधिकतम केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की गई संख्या तक साझेदार हो सकते हैं, किंतु केंद्रीय सरकार भी इसके सदस्यों साझेदारों की संख्या 100 से अधिक निर्धारित नहीं कर सकती। वर्तमान में सरकार ने साझेदारों की अधिकतम संख्या 50 कर रखी है। दायित्व की बात करें तो अंशों द्वारा सीमित कंपनी के सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा निर्धारित अंशों के अदत अंकित मूल्य तक सीमित रहता है। गारंटी द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी की दशा में सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा दी गई गारंटी की राशि तक सीमित होता है।
साझेदारों का दायित्व असीमित होता है, फर्म के दायित्वों के लिए साझेदारों की निजी संपत्ति को भी उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। अंश का अंतरण, कंपनी के सदस्य सामान्यतः अपने अंशों का स्वतंत्रतापूर्वक अंतरण कर सकते हैं। साझेदार द्वारा साझेदारी में अपने हित के अंतरण के लिए अन्य साझेदारों की अनुमति लेनी होती है। संपत्ति पर सदस्यों का अधिकार, कंपनी की संपत्तियां कंपनी के अंशधारियों की नहीं होती हैं, क्योंकि कोई भी अंशधारी कंपनी की संपत्तियों का आंशिक स्वामी नहीं माना जाता है। कंपनी की संपत्ति केवल कंपनी की ही होती हैं। साझेदार फर्म की संपत्ति पर सभी साझेदारों का अधिकार होता है। प्रत्येक साझेदार फर्म की संपत्ति का आंशिक स्वामी होता है। फर्म की संपत्ति साझेदारों की संपत्ति मानी जाती है। शक्तियाँ, कंपनी को उन्हीं कार्यों करने की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं जो उसके सीमा नियम के क्षेत्र में अंतर्गत आती हैं। साझेदार फर्म के साझेदार सर्वसम्मति से निर्णय लेकर कोई भी कार्य करने की शक्ति रखते हैं। प्रबंध की बात करें तो कंपनी का प्रबंध कंपनी के सदस्यों द्वारा चयनित संचालक मंडल द्वारा किया जाता है। दूसरी तरफ साझेदारी का प्रबंध सभी साझेदारों द्वारा तथा उन सभी की ओर से किसी एक साझेदार द्वारा किया जाता है। अविच्छिन्न उत्तराधिकार, कंपनी को अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त है। सदस्यों की मृत्यु या अपंगता या पागलपन दिवालियापन का कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। साझेदारी को अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त नहीं है। किसी भी साझेदार की मृत्यु अपंगता दिवालियापन आदि से साझेदारी तो भंग होती ही है, साथ ही अन्यथा ठहराव के अभाव में इनके कारण फर्म का भी विघटन हो जाता है। निर्णय, कंपनी में निर्णय साधारण या विशेष बहुमत से लिए जाते हैं। साझेदारी में सभी महत्वपूर्ण निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। पारस्परिक एजेंसी, कंपनी के सदस्यों के बीच पारस्परिक एजेंसी नहीं होती है। वे एक दूसरे के एजेंट नहीं होते हैं। कोई भी सदस्य अपने कार्यों से अन्य सदस्यों को बाध्य नहीं कर सकता। दूसरी तरफ साझेदारी में सभी साझेदारों के बीच पारस्परिक साझेदारी पाई जाती है। वे एक दूसरे के एजेंट होते हैं। वे अपने कार्यों से अन्य साझेदारों को बाध्य करते हैं। वैधानिक दायित्व, कंपनी के अनेक वैधानिक दायित्व होते हैं। कंपनी का निर्माण, प्रबंध प्रशासन, सभाओं, पूंजी, लेखांकन, अंकेक्षण आदि से संबंधित अनेक वैधानिक दायित्व होते हैं। साझेदारी फर्म के वैधानिक दायित्व बहुत ही सीमित हैं। विघटन, कंपनी का विघटन एक विधिक प्रक्रिया का पालन करने से किया जा सकता है। साझेदारी का विघटन साझेदारों द्वारा आपसी सहमति से कभी भी किया जा सकता है। अंतिम बात है दिवालियापन का प्रभाव, कंपनी के दिवालिया होने से कंपनी के सभी सदस्य दिवालिया नहीं होते हैं। साझेदार फर्म के दिवालिया होने पर फर्म के सभी साझेदार दिवालिया हो जाते हैं। मुख्य रूप से कंपनी में यही प्रमुख अंतर थे साझेदारी और कंपनी में।